वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। और शाम के बज रहे हैं यार 6 और हम हैं यहाँ पे देवघर के पास। तो हम लोग के बाबा के दर्शन हो गए, बासुकीनाथ के दर्शन आपको करा दिए और अब हम आ गए हैं जलसर पार्क, जिसको कहते हैं यहाँ के लोकल लोग चिल्ड्रन पार्क भी कहते हैं। तो गाइस अंदर जाते हैं, दिखाते हैं आपको यार कैसा बना हुआ है। पहली बार तुम्हारा भाई खुद आया है यहाँ पे, देखते हैं यार अंदर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मस्ती करते हैं। क्या बात है भाई, क्या गेट है यार जलसर पार्क का। अबे तुम भी यही हो क्या है, तुम गई नहीं उनके साथ? क्या सुंदी, टिकट वगैरह लिया नहीं? बाहर आ गई हो तुम यार, है? क्या बात है यार, 1 रुपया 2 रुपये के सिक्के नहीं ले रहे हैं। टिकट लिया है नहीं लिया है? बाहर जाओ सिक्का ले ले तो ले लो, अरे इनके लिए नोट पैदा करें हम। क्या भाई गलत सीन हो गया सुंदी के साथ, गजब इतना प्यारा व्यू है यार यहाँ पे। और थोड़ा भाई तुम्हारा शाम में आया है इसीलिए सनसेट का फील भी आता है ऊपर, आप देख सकते हो यार कितना अच्छा फील आ रहा है। और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी ठंडक भी बढ़ जाती है, तो उसमें क्या है ना मज़ा आता है। क्या बात है यार, सीन देखो यार कितनी सारी ग्रीनरी है और झूले वगैरह भी हैं। आई थिंक यार की जिसमें मतलब आदमी 50 रुपया खर्चा करके देखने आए हैं। अरे भैया गोमती नगर के हर मोहल्ले में एक छोटे छोटे ऐसे पार्क होंगे। हाँ बात तो सही है। तो गाइस पीछे लगा है झूला और अभी सुंदी इसमें कूद जाएगी अकेली और ये छेद हो जाएगा, इसमें हो जाएगा छेद, इसमें छेद हो जाएगा। ओह यार देखो गाइस यार कितना फन कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, अमेजिंग झूले। बचपन की याद आ गई तुम्हारे भाई को, एकदम जाता था, पापा पिलाते थे पोलियो और हम लोग जाते थे पोलियो के पीछे एक पार्क था और मेरी बहन वहाँ छोड़ देते थे, तो उसकी सेम उसी सिनेरियो की पूरी याद आ गई तुम्हारे भाई को। छोटे छोटे झूले यार ऐसे ही हम लोग झूला करते थे डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा, और जब पापा आते थे वो लेने की यार आ जाओ हम लोग आते ही नहीं थे, इतना जिद करते कि नहीं अभी हम लोग यहीं पे रहेंगे, अभी हम लोग यहीं रहेंगे यार। बाप रे कितनी बड़ी नदी है यार ये, अब अभी तो यार इधर से आया मैं अभी ही दिखाई दूंगा, चश्मे लगा लो पीछे से, तुम यहीं बैठी थी क्या? और क्या, बाप रे यार ढल गया है सूरज तो आप लोग को यहाँ दिख नहीं रहा होगा, बट यार बहुत ज्यादा लिटरली बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा है यहाँ का, कभी आइएगा। यहाँ पे नाव खड़ी है, 4 किलो लोग तैर रहे हैं इधर उधर बस, इतना खूबसूरत नजारा है यार, नजारा ही नहीं दिख रहा है नजारे में। हम लोग करने आए थे रात में टाइम पास, 50 रुपए फूक के आए यहाँ पे, इससे अच्छा गार्डन घूम लेते लखनऊ का। चलो लेकिन ठीक है, यहाँ के हिसाब से ठीक है, यहाँ जनता के हिसाब से ठीक है। भैया वैभव बच्ची का झूला ले लेते हुए दिमाग खराब हो गया है पूरी तरीके से। आओ नीचे करो, वो तो तुम टांग दिए यार इसको, नीचे करो यार, अबे नीचे करो यार जल्दी। अबे इसमें हम नीचे जा रहे हैं, नीचे ही वो जा रहे हैं। एक चीज और दिखाते हैं, इस चिल्ड्रंस पार्क की जो शताब्दी है वो इस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। ये देखो इंजन है और शताब्दी चली गई तेल लगाने। अबे ये हमारी तरफ ना गोमती नगर में आंटिया करती साड़ी पहन के, ये जनेश्वर में, ये नहीं पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, ये आंटी साड़ी में करती थी भाई। ये वाला क्या है, इससे ये हमारी थाइस को बहुत मजबूत करता है, इसको देख के मुझे कुछ याद आ गया। अच्छा है, क्या याद आ रहा है सुंदी? बता नहीं सकते हम। और ये वैभव, ये बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये कमर से क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, कौन तांग चल रहा है, बड़ा हरामी हो बेटा यार, इससे बड़े पाग मैंने आज तक जिंदगी में देखा। झूले चलते नहीं, झरने चलते नहीं, झूलों में जंग लगी है, ट्रेन चलती नहीं, डब्बा इसी पड़ा है, इंजन वैसी पड़ा है, कहा नहीं है, तगड़ा पार्क है, पार्क में बहुत यूनिकनेस है, ना चलने वाली चीजें बच्चों को ज्यादा है। रावण अपना यहीं छोड़ के गया था पुष्पक विमान, बस ये भी उड़ता नहीं है, लेकिन अब ये भी उड़ता नहीं है, यहाँ जितनी चीजें हैं कुछ उड़ती है चलती नहीं है, सिक्का भी नहीं चलता है तो पार्क भी नहीं चलता है।
इसमें बच्चे भी नहीं टहलते हैं आकर के, इसमें बस माता पिता जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बच्चों को लेके आते हैं, चल घूम इसी में। बेटा जबरदस्ती लाए गए हो ना घर से? नहीं। अच्छा अपने मन से आए हो? हो गया मेरा पोपट, ये अपने मन से आया। शाबाश बेटा।